नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के सभाकक्ष में हुई जनरल बोर्ड मीटिंग, जिला पंचायत के सीईओ की अध्यक्षता में हुई यह बैठक, चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गौरतलब बात यह है कि दानहा जिला पंचायत भवन में आज जनरल बोर्ड मीटिंग की बैठक हुई। इस मीटिंग में चुने हुए प्रतिनिधियों ने सीईओ के समक्ष कई अहम मुद्दों को उठाया। इस विषय पर सुनिए जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भवर एवं उपाध्यक्ष दीपक प्रधान ने क्या कहा है मीडिया ब्रीफ में। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिस तरह से जिला पंचायत भवन में जो लगातार देख सकते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सभी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। सुबह से 11 बजे से ही प्रशासनिक बैठक बैठी हुई थी यहाँ पर, जो इसमें जो जिला पंचायत सीईओ हैं वो और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं सभी यहाँ पर, ये जो मीटिंग थी एनुअल मीटिंग चल रही थी जिसमें इन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात किया। बहुत सारे अलग अलग विस्तार में, ग्रामीण विस्तार में किस तरह से क्या कार्य करने की ज़रूरत है, इस पर भी इन्होंने सबने मिलकर चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन सभी ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। हालांकि इस बारे में देखिए किस तरह से जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं क्या था। आज हमारी पहली जनरल बॉडी मीटिंग हुई है तो उसमें हमने बहुत सारे एजेंडाज लिए हैं। तो एजेंडाज इस तरीके थे जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ पंचायत रेगुलेशंस, जो पंचायत का पावर्स छीन लिया गया है तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। दूसरा है रॉयल्टी को लेके, जो रॉयल्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, जो पहले मिलती थी, जो स्टॉप कर दी गई 2012 में, तो उसको लेके क्या मिलनी चाहिए, जो सैंड ब्रेक स्टोन ग्रेवल्स ये बनते हैं तो वो उसका परमिशन वापस हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कलेक्टर साहब से मिल जाना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हमने लिए थे जैसे कि पीडब्ल्यू वर्कर्स को जो निकाले गए हैं तो उनको वापस जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से वापस रख लेना चाहिए। टीचर्स का जो नया आरा ड्राफ्ट बना है उसको लेके भी हमने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। और पंचायत अभी ये हुआ है कि अपने पंचायत स्टाफ को भी निकाला जा रहा है, जो पिछले 12 से 15 साल से काम पे है उनको अचानक से आज निकाला जा रहा है तो उसको लेके भी हम सभी मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिडेंटल जो अभी कहीं कहीं पंचायत में दिया जा रहा है और कई कुछ पंचायतों में नहीं दिया जा रहा है तो उसको ही लेके हमने ये किया कि सभी पंचायत में नोटिफिकेशन जाना चाहिए, सभी पंचायत में इक्वली सब जगह पे पहुंचना चाहिए कि क्या नोटिफिकेशन है, क्योंकि आधे पंचायत में चला जाता है, आधे पंचायत वालों को पता ही नहीं रहता है, सरपंच और डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स के पास ज्यादातर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाती है। उसको लेके भी हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्या वो सब इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स नहीं रहते हैं, पंचायत के मेंबर्स ही काम करते हैं तो उन तक वो इन्फॉर्मेशन सारी जानी चाहिए। प्रमुख मुद्दा रहा, प्रमुख मुद्दा चुने प्रतिनिधियों का पावर वापस छीन लेना, उनको कोई पावर नहीं रहेगा तो सब ये नगण्य मुद्दे हो जाते हैं, उस पर क्या आश्वासन मिला है कि किस तरह से जो है सामने रखा गया, गंभीरता से लिया गया इस मुद्दे को। तो हमने तो लिखवाया है, अभी देखते हैं आगे, बाकी हम तो उसके लिए जो पंचायती राज में भी जो पावर्स है हमको, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पावर्स है वो तो मिलना ही चाहिए, वो तो हक का है, तो इसके लिए हमने अप्रूवल तो रखा है, तो अप्रेजल रखा है। क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पूरे पंचायत पूरे ग्रामीण विस्तार से आपको आपसे काफी अपेक्षा है, आपसे है, दीपक भाई से है, लोगों को क्या, क्योंकि जो समस्याएं हैं उसका निराकरण जल्दी होगा और यह प्रयास रंग लाएगा। नहीं नहीं, हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, क्या हम उतने एक्टिव भी है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाके सब काम कर ही रहे हैं, बट आगे ऑफिसर्स के ऊपर भी है क्या वो हमारा जो हम जो प्रस्ताव उनके सामने रख रहे हैं वो उनको अप्रूव कर दे जल्दी से जल्दी। दीपक भाई, ग्रामीण विस्तार में जिस तरह से आने वाले टाइम में देखने को मिल रहा था वैक्सीनेशन को लेकर, सबसे पहले जिस तरह मुद्दा मैडम ने बताया, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो ग्रामीण विस्तार में कार्य चल रहे हैं उसको लेकर किस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने आज जो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग थी इसमें भी चर्चा की, लगभग जिला पंचायत के सारे सदस्य और सरपंच में से 90-95% लोगों ने वैक्सीन ले ली है और हम सभी लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विस्तार में जितने भी लोग हैं उनको समझाए कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं हो रहा है और सारे लोग वैक्सीन ले लें, यह चर्चा हमने आज भी की है। आपके अब दीपक भाई, आपके जितने चुने जनप्रतिनिधि रहे उनको भी इस पंचायत को लेकर काफी दिन से उम्मीद थी कि कितना जल्दी डेटा हो, जनरल बॉडी की मीटिंग हो, हम लोगों की समस्याएं रूबरू सार्वजनिक रूप से रखी जाए, तो सभी लोगों ने समस्याओं को रखा है, निराकरण क्या है। जो मेन बड़े बड़े इश्यूज थे कि जैसे कि पीडब्ल्यूडी वर्कर्स का, फिर ये टीचर्स का, और जो रॉयल्टी का इश्यू था कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, बिल्डिंग मटेरियल जो भी है, रेती पत्थर ईंट ग्रेवल मोरम, इसकी रॉयल्टी पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दी जा रही थी, अभी बंद कर दी गई है, तो वो जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी परमिशन, जो भी अप्रूवल जहाँ से लेनी है
वो सब लेके कंसर्न पंचायत से ही उसकी रॉयल्टी मिल जानी चाहिए, इस तरीके का प्रस्ताव हमने रखा है। और जो हमारे जिला पंचायत के ऑफिसर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने भी बोला है कि हम लोग कलेक्टर सर से या पंचायत राज सेक्रेटरी से या एडमिनिस्ट्रेटर सर से बातचीत करके जो भी अप्रूवल लेनी है वो सब लेके यह सारे जो भी प्रश्न है टीचर्स के है या पीडब्ल्यूडी वर्कर्स के है या ये रॉयल्टी का इश्यू है वो सारे के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, या हमको जो ऑफिसर की तरफ से भी ये आश्वासन मिला है। तो ये थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिन्होंने बताया कि किस तरह की अहम बैठक रखी गई, किस तरह से उनकी मांगे रही है और किस प्रकार से जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है उसकी भी सराहना दीपक प्रधान ने अपने वक्तव्य में हमसे किया है। खबरों में बने रहने के लिए सिलवासा न्यूज लाइन से जुड़े रहे। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ हिम्मत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सिलवासा।